मध्य प्रदेश भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। उसमें की रीवा मध्य प्रदेश का बेहद प्रमुख क्षेत्र है, जो कि निश्चित तौर पर विंध्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। रीवा के इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं मध्य प्रदेश के लिए रीवा को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि रीवा रियासत कभी भी किसी भी शासक का गुलाम नहीं हुआ। दूसरा कारण यह भी है कि भारत या कहे पूरा एशिया में सबसे पहला सफेद बाघ रीवा में ही पाया गया था। रीवा एक सांस्कृतिक प्रधान प्रदेश है, जहां 6 अलग अलग संस्कृतियां फैली हुई हैं। मध्य प्रदेश में रीवा रियासत को राजघराने के लिए जाना जाता था, जहां केवल राजा रजवाड़े, राजपूत और बघेल वंश के लोग रहा करते थे। यहां एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, जिसमें राजाओं की जगह पर भगवान राम को गद्दी पर बिराजा जाता है। रीवा में बघेल वंश के राजाओं ने 35 पुष्त तक शासन किया। इन राजाओं के शासन काल में 2 राजगद्दी होती थी। मान्यताओं के अनुसार पहली राजगद्दी भगवान राजा राम की होती थी, जो कि हमेशा खाली रहती थी, और दूसरी गद्दी पर राजा बैठते थे, जिस पर बैठकर वे अपना साम्राज्य चलाते थे। पहले राजघराने की राजधानी बांधवगढ़ हुआ करती थी, जिसको आज के समय में उमरिया के नाम से जाना जाता है। सन 1618 में 16वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य रीवा आए। उस समय भी यह परंपरा थी, यहां पर राजा श्री रामचंद्र को ही बनाया गया था, और जो यहाँ के राजा थे वे श्री रामचंद्र जी के सेवक के रूप में राज्य के कार्यभार को संभालते थे, जिस कारण से ये परंपरा रीवा राजघराने को देश में अलग पहचान देती थी। और ये लोग अपना कुल देवता राजा रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को मानते थे। महाराजा रघुराम सिंह जी ने लक्ष्मण बाग संस्थान की स्थापना की और वहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर भी बनवाया। और दुनिया में कुछ गिनी चुनी जगह है जहाँ लक्ष्मण जी के मंदिर है। पुजारी महासभा के अध्यक्ष अशोक पांडे जी कहते हैं कि इस परंपरा का लाभ यह है कि सिंहासन पर बैठे राजा धीराज श्री रामचंद्र जी ने हर संकट से बचाया है और रीवा को हर विपरीत परिस्थितियों से उभारते आए हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर कई बार भयानक परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हुई, लेकिन वह समस्याएं भी बेहद आसानी से सुलझ गईं। रीवा रियासत कुछ कारणों से भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात हो गया है। वो कारण है कि मध्य प्रदेश की एक ऐसी रियासत जो कभी भी अंग्रेजों और मुगलों का गुलाम नहीं हुई थी। रीवा रियासत के गुलाम न होने के पीछे बहुत सारी वजहें भी थी, जिसमें की पहली वजह तो ये थी कि उस समय रीवा रियासत पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी, क्योंकि उस समय रियासत का ज्यादातर हिस्सा वन प्रदेश हुआ करता था, जहां पर ज्यादातर तादाद में जंगल और जानवर हुआ करते थे। हालांकि प्राकृतिक रूप से रीवा आज भी बेहद संपन्न प्रदेश है। और वहीं दूसरी ओर एक ऐसा शहर या रियासत जिसने पूरे विश्व को सफेद बाघ का नायाब तोहफा दिया। विश्व भर में रीवा के घने जंगलों में सबसे पहला सफेद बाघ देखा गया था। तब रीवा में महाराजा गुलाब सिंह हुआ करते थे। तब महाराजा गुलाब सिंह ने वैज्ञानिकों की सहायता से इस दुर्लभ प्रजाति के बाघों को विकसित कराया। आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े चिड़ियाघरों में जो सफेद बाघ शान है, वो रीवा रियासत की ही देन है। जो रीवा में सबसे पहला सफेद बाघ पाया गया था, उस बाघ का नाम मोहन था। सफेद बाघ को रीवा का सफेद शेर भी कहा जाता है। उस बाघ का अस्थि पिंजर आज भी रीवा म्यूजियम में देखा जा सकता है। रियासत रीवा की एक और सबसे खास बात यह है कि जब पूरे भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी, तब भी उस समय रीवा संपूर्ण रूप से स्वतंत्र थी। रीवा के बारे में एक ऐसी भी मान्यता प्रचलित है कि रीवा में बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे। माना जाता है कि एक बार महाराजा रघुराम सिंह जी युद्ध से लौट रहे थे, तब उस समय सोन नदी उफान में थी, तो उन्होंने सोन नदी से पार जाने के लिए रास्ता मांगा, तो सोन नदी ने उनको रास्ता दे दिया। ऐसे ही एक बार महाराजा रघुराम सिंह जी को फिरंगियों ने आमंत्रित किया था, तब उनके अस्त्र शस्त्र बाहर रखवा लिए गए थे और फिर उन पर संधि के लिए दबाव डाला गया, तो उन्होंने गुस्से में पेन से फायर किया, तो एक बड़ी चट्टान के 2 टुकड़े हो गए, जिसके कारण अंग्रेज भी उनसे हैरतअंगेज तरीके से भयभीत हो गए। वैसे महाराजा के मृत्यु की कहानी भी बेहद चौंकाने वाली है। कहावत है कि जब मृत्यु के समय राजा बीमार पड़ गए थे, तब एक साधु किला के बाहर भिक्षा मांगने आया। उसने अपने कमंडल में घी मांगा, तो उसके कमंडल में घी डाला गया, लेकिन कमंडल भरने का नाम भी नहीं ले रहा था। और फिर जब महाराजा रघुराम सिंह जी को बताया गया, तो उन्होंने कमंडल के आकार का दूसरा कमंडल बनाने को दे दिया, जिसके बाद महाराजा ने स्वयं उस कमंडल को घी से भरा और फिर उन्होंने अपने कमंडल से साधु के कमंडल
कमंडल में घी डालना शुरू किया तो उस पर कहा जाता है कि ना तो साधु का कमंडल भरा रहा था और ना ही राजा का कमंडल खाली हो रहा था। लेकिन बाद में फिर साधु का कमंडल भरा गया, तब साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा को बताया, राजन अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। और फिर उसी रात महाराज का स्वर्गवास हो गया। ऐसे ही प्रतापी राजा रीवा के इतिहास में हुए हैं, जिसमें कि राजा गुलाब सिंह, राजा जुराब सिंह और राजा मारतंड सिंह थे। एक बात जो आपको अचरज में डाल सकती है कि वो अकबर के नवरत्नों में शामिल प्रसिद्ध बुद्धिमान बीरबल और संगीतकार तानसेन। तानसेन उन चुनिंदा संगीतकारों में से एक थे जो अपने राग से मेघ को बारिश करने में मजबूर कर देते थे। तो ये दो महान विभूतियाँ भी रीवा रियासत की ही देन है। ऐसे में कई लोगों का कहना है कि बीरबल की जन्मस्थली सीधी है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि उस समय सीधी नहीं हुआ करता था। रीवा एक साम्राज्य हुआ करता था जिसमें कि कई रियासतें जो हाल ही में रीवा से अलग हुई हैं, जैसे कि सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर और भी आसपास की कई रियासतें जो पहले रीवा के नाम से जानी जाती थी, उस समय ये विशाल रीवा हुआ करता था। और रीवा का नाम रीवा कैसे पड़ा तो मैं ये बता दूं कि रीवा का नाम नर्मदा नदी से लिया गया है, जिसका वर्णन कालिदास के एक प्रसिद्ध किताब में दिया गया है। नर्मदा नदी अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है, इस वजह से इस पूरी जगह का नाम रीवा पड़ गया था। तो ऐसे ही रीवा की भूमि अपने अंदर ऐतिहासिक रहस्यों को समेटे हुए है, बस जिन्हें जरूरत है खगालने की। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।